हाँ जनरल बोलो। ओ सॉरी अय्यर भाई, आपके मोबाइल में लग गया? नहीं नहीं, बबीता को ही तुमने फोन लगाया, लेकिन मैंने उठाया। तो बबीता जी कहाँ है? है ना, क्यों क्या हुआ? नहीं नहीं, मतलब वो क्या है कि साड़ी वापस देने जाना है ना, तो अगर उनका साड़ी पहन के हो गया हो तो। हाँ साड़ी पहन कर हो गया, हम लोग अभी साड़ी लेकर आते हैं। अरे अय्यर भाई, बबीता जी साड़ी लेके आ रहे हैं। अरे भाई जेठालाल, अरे आइए आइए। और अंजलि भाभी, 10 करोड़ की साड़ी पहनने का अनुभव कैसा रहा? अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस जेठा भाई। क्या वो मजा नहीं आया? नहीं नहीं जेठालाल, अंजलि के कहने का मतलब है कि अविस्मरणीय अनुभव रहा। हाँ थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपको जितनी बार थैंक यू कहूँ उतनी बार कम है। अरे अरे थैंक यू मुझे मत कहिए अंजलि भाभी, थैंक यू कहना तो मैं तो सबको कहिए। भारत को क्यों? मुझे क्यों जेठालाल, थैंक यू। अरे क्यों, आइडिया आप ही ने दिया था ना। कौन सा आइडिया जेठालाल, कौन सा आइडिया? ओ क्या हुआ दया, मैं एकदम टेंशन में आ गया था अंजलि भाभी कि अभी हीरेलाल भाई से मैं 10 करोड़ की साड़ी कैसे मांगू। तो मेहता साहब ने मुझे आइडिया दिया कि मैं साथ में चलता हूँ, तुम हिम्मत मत हारो, हम जाते हैं और कुछ भी करके साड़ी लेके आते हैं। तो वो आइडिया आपने दिया ना, और आइडिया भी दिया साथ में भी आए, तो ये मुमकिन हुआ सब। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू सो मच। जेठा भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से हमें आज हीरे जड़ित साड़ी पहनने को मिली है। जेठा भाई थैंक्स अ जिलियन। 10 करोड़ का 10 गुना 100 करोड़, 100 करोड़ मतलब 1 अरब, और 100 अरब मतलब 1 खरब। खरब बार थैंक यू बोल रही है। आपकी वजह से सबके घरों में खुशियाँ फैल गई है। जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी गोकुलधाम की तमाम महिला मंडल की ओर से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, म्हणजे आता महिला मंडल चे भी अध्यक्ष झाले? सॉरी चुकलं मंडल चुकलं। मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसायटी के समस्त पुरुष मंडली की ओर से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। अरे भाई कसला आभार, अरे हम सब एक ही है। तो बोलते है ना, वसुदैव कुटुंबकम। हाँ चलो भाई जेठालाल, अब साड़ी लौटा नहीं है, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। मेहता साहब सच कहूँ, इस साड़ी की वजह से सबके घर में कितनी खुशियां फैली है, तो अभी साड़ी लौटाने का मन नहीं कर रहा है। क्या ये साड़ी खरीदने का मन कर रहा है जेठालाल? जेठालाल भूलो मत, ये साड़ी 10 करोड़ की साड़ी है। आ तो सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलके जोड़ेंगे तो आ जाएगी साड़ी। थोड़ा थोड़ा जेठालाल, 10 करोड़ की साड़ी है भाई, 10 करोड़ की, और 5 लेडीज ने पहनी मतलब हर एक किस्त में 2 करोड़ आए भाई, 2 करोड़। अरे मुंडी क्या हिला रहे वाती भाई, बोलिए ना कुछ। हाँ सही बात है। अरे क्या सही बात है, उसको बोलिए नहीं खरीद सकते भाई। हाँ हाँ, मतलब तुम्हारी बात सही है बेड़े मास्टर, मैं वही कह रहा हूँ सही बात है, तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ। जेठालाल तुम जल्द से जल्द वो साड़ी वापस लौटा दो, वो साड़ी जब तक एग्जीबिशन में वापस नहीं जाती ना, तब तक टेंशन रहने वाला है। टेंशन बहुत है जेठालाल, जल्दी चलो साड़ी लौटा नहीं, चलो भाई। अरे पर साड़ी तो आ जाने दो। कहाँ है साड़ी? वो बबीता जी अय्यर भाई लेके आ रहे। चलो अय्यर, I'm ready। अरे तुम अभी टीवी देखने क्या बैठ गए? अरे जल्दी जाके जेठा जी को साड़ी वापस देनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत ही बड़ी सनसनी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक मिनट, ये क्या ब्रेकिंग न्यूज है, देखकर चलते हैं। 2 दिन पहले गोरेगांव के इलाके में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन स्टार्ट हुई, जिस ज्वेलरी एग्जीबिशन की जान थी वहाँ पे रखी हुई 10 करोड़ रुपए की साड़ी। ये तो उसी एग्जीबिशन का ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है जहाँ हम लोग गए थे। हाँ, 10 करोड़ रुपए की इस डायमंड की साड़ी ने अपनी एक खास जगह सब लोगों के दिल में बना ली। इस साड़ी ने मानो जैसे सबको सम्मोहित कर दिया, जो भी कोई स्त्री से देखती थी उसके मन में इस डायमंड की साड़ी को पहनने की इच्छा हो जाती थी। वो बात तो है, और ये साड़ी को पहनने की हमारी इच्छा पूरी हो गई। ये साड़ी 10 करोड़ रुपए की है, ये बात ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है
साड़ी की चोरी की है। बबीता ये साड़ी चोरी का है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी यह सब क्या है? इस बात का जवाब तो सिर्फ जेठा जी दे सकते। अरे माजी के तो इतने सारे फोटो खींचे हैं कि मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। अरे 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 आ गए जेठालाल। क्या आई है? आई है। टीवी चालू करो और न्यूज देखो। तो न्यूज क्यों आई है भाई? आपका कोई रॉकेट मंगल ग्रह पे जा रहा है क्या? मेहता साहब नो जोक्स, बहुत सीरियस मैटर है, आप प्लीज टीवी चालू कीजिए। जेठालाल का घर है, उसके घर में मैं टीवी कैसे चालू कर सकता हूँ? नहीं नहीं ऐसे कोई आप करो करो बिंदास, उसमें क्या? मेहता साहब, जेठालाल टीवी चालू करो। अरे अय्यर भाई क्या हुआ? भाभी टीवी चालू कीजिए, सब मालूम पड़ जाएगा। जी क्या मालूम पड़ जाएगा अय्यर भाई? जेठा जी आप ही सारी हीरालाल जी से मांग के लाए हैं? हाँ क्यों? जेठालाल झूठ बोल रहा है, हकीकत कुछ और है। अरे भगवान इन लोगों को हकीकत का पता तो नहीं चल गया। अय्यर भाई आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताइए बात क्या है? साफ सुथरा बात तो ये है कि जेठालाल ये साड़ी हीरालाल से मांग कर नहीं चोरी करके लाया है। क्या बोल रहे हो अय्यर? अरे जबान संभाल के बात कीजिए अय्यर भाई, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैंने साड़ी की चोरी नहीं की है मेहता साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं की है, चोरी नहीं की है भाई। अय्यर भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ यार भाभी मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं है ना तो टीवी चालू कर न्यूज चैनल देख लो। नहीं हो सकता। ब्रेकिंग न्यूज, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दो दिन से गोरेगांव में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन चल रही थी और इस ज्वेलरी एग्जीबिशन की जान थी यहाँ पर रखी हुई 10 करोड़ की एक साड़ी। लेकिन आज सुबह ये एग्जीबिशन शुरू होने के पहले ये साड़ी चोरी हो गई। What? जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज ये 10 करोड़ रुपए की साड़ी चोरी हो गई। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसका सीसीटीवी फुटेज। मतलब सच में साड़ी चोरी हुई है? लेकिन साड़ी तो यहाँ है। कल तक इस पुतले को 10 करोड़ रुपए की साड़ी पहनाई हुई थी, लेकिन आज सुबह 8:30 बजे से ये साड़ी गायब। इस साड़ी के गायब हो जाने की वजह से एग्जीबिशन हॉल में सनसनी मच चुकी है और हीरालाल जी जो इस एग्जीबिशन के मालिक है, 10 करोड़ रुपए की साड़ी चोरी हो जाने की वजह से उनका तो जैसे दिल ही बैठ गया है। मैं लुटी गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ, पर 10 करोड़ की साड़ी चोरी हो गई। साचो बाकी सब झूठो। हैरानी की बात तो ये है कि जिस दिन से ये एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है लेकर आज सुबह 8:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जिस वक्त साड़ी चोरी हुई उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज गायब। इसका मतलब यह है कि चोर ने बड़ी ही चालाकी से सीसीटीवी कैमरास को स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस का मानना यह है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने यह काम किया है वो शायद कोई करीबी आदमी भी हो सकता है, क्योंकि वो इस सिक्योरिटी से वाकिफ था, उसे पता था कि कैमरास कहां लगे। क्या बोल रहे? क्या ये कोई करीबी आदमी हो सकता है? आखिर ये काम किसने किया है? कौन है वो आदमी जिसने 10 करोड़ रुपए की साड़ी पर किया है अपना हाथ साफ? जानने के लिए देखते रहिए कल तक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। सुना आप लोगों ने? हाँ देख लिया ना? पता नहीं दया, लेकिन मेरा यकीन कर, मैंने साड़ी की चोरी नहीं की है। हाँ, टप्पू के पापा। तो जेठा भाई ये न्यूज चैनल वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि साड़ी चोरी हो गई है? हाँ
सही बात है। अब जो भी सच है ना वो आप बता दीजिए कि ये साड़ी आपके पास कैसे आई। अगर मैंने कह दिया कि मैं जो साड़ी लाया हूँ वो डुप्लीकेट है तो गोकुलधाम सोसाइटी का महिला मंडल जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देखेंगे। क्या करूं, कैसे सच बताऊं? अरे आप सब यहाँ क्या हुआ? कब के चेहरे पे इतना टेंशन क्यों है? चाचा जी बात यह है कि जेठालाल महिला मंडल की इच्छा पूरी करने के लिए आज सुबह ही ये 10 करोड़ की साड़ी अपने दोस्त से मांग के लाया है। हाँ। और अभी न्यूज देखा तो न्यूज वालों का कहना है कि यही साड़ी आज सुबह ही एग्जीबिशन से चोरी हो गई है। हाँ अभी समझ में नहीं आ रहा है, न्यूज वालों का कहना है कि साड़ी चोरी हो गई है और जेठालाल का कहना है कि वो साड़ी अपने दोस्त से मांग कर लाया है। हाँ। अभी पता नहीं सच क्या है। चाचा जी को टीवी चालू करके दिखा दो, मालूम पड़ जाएगा सच क्या है। ब्रेक के बाद आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कल तक पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरेगांव इलाके में चल रही एक एग्जीबिशन में 10 करोड़ रुपए की साड़ी चोरी हो चुकी। अब तक चोर का कोई सुराग नहीं मिला। कहाँ होगी वो साड़ी, किसने चुराई होगी ये साड़ी, जानने के लिए देखते रहिए कल तक। बिटिया ये सब क्या है, क्या गड़बड़ की है तूने? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है बापूजी। हाँ बापूजी। तो सच क्या है? लगता है अभी तो सच बताना ही पड़ेगा। अरे बोल बापूजी। दरअसल बात यह है कि दरअसल बाबा हीरालाल जवरी ने ये झूठी खबर फैलाई। क्या? क्यों? क्यों ये झूठी खबर फैलाई है वो मेहता साहब बताएंगे। हाँ मैं तो उस बोल। हाँ मैं बताता हूँ। थैंक यू जेठालाल। असल में चाचा जी ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट? पब्लिसिटी वजह क्या है? विज्ञापन का हथकंडा। ये भाई ये मैं तो वो समझ में आया ऐसा बोलना, प्रचार पाने का तरीका। हाँ कसला तरीका? मैं बताता हूँ ये सब क्या है कि प्रचार पाने का तरीका है। अच्छा। असल में क्या है कि हीरालाल भाई ने हम लोगों को साड़ी दे दी कुछ देर के लिए, लेकिन ये हमें पता है कि उन्होंने हमें साड़ी दी या उन्हें पता है, लेकिन साड़ी तो एग्जीबिशन में नहीं है ना, तो लोगों को तो नहीं पता कि साड़ी कहाँ गई। लेकिन ये तय है कि भाई एग्जीबिशन में कुछ देर के लिए साड़ी नहीं है। यही मुझे लगता है हीरालाल भाई के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए। उन्हें लगा कि भाई साड़ी है नहीं, अब मैं ये खबर फैला देता हूँ कि साड़ी चोरी हो गई। जैसे ही ये खबर फैलेगी कि साड़ी चोरी हो गई तो 10 करोड़ की साड़ी अगर चोरी होगी तो मतलब तो हंगामा मच जाएगा ना, जो हुआ टेलीविजन पे न्यूज आ रही है। अभी तक 10 करोड़ की साड़ी है तो उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने उस एग्जीबिशन में देखा है, बाकी लोगों को तो नहीं पता ना। तो जैसे टेलीविजन पर न्यूज आई तो पूरा देश जान गया, सारी दुनिया में खबर फैल गई, तो ये उस साड़ी के प्रचार के लिए कितना बढ़िया हो गया। हीरालाल भाई ने सोचा होगा कि साड़ी को इतना प्रचार मिल जाएगा और जैसे ही हम लोग साड़ी वापस लौट आएंगे वो कहेंगे साड़ी मिल गई। ओहो सभी करते हैं। तो ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा जी हस बराबर। वाह वाह मेहता साहब वाह वाह, सच बताने के लिए वाह, हिम्मत चाहिए ना सच बताने के लिए। आप लोग कब से मुझे पूछ रहे थे लेकिन क्या मैं हिम्मत नहीं कर पाया सच बोलने की, लेकिन मेहता साहब ने बेझिझक सच बता दिया इसलिए वाह वाह मेहता साहब वाह बराबर है। लेकिन जेठालाल इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी, तुम भी बता सकते थे ये बात। हाँ।
हाँ लेकिन एक होता है ना कि किसी का भी बुरा क्यों बोलना, पर ये तो मेरे दोस्त है तो उनका तो मैं बुरा कैसे बोल सकता हूँ। वाह 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 जेठालाल, क्या बात है, मानना पड़ेगा भाई। इस बात के लिए जेठालाल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ ये तेरा दोस्त व्यापारी है कि अभिनेता? टीवी पे रो तो ऐसे रहा था जैसे सच में साड़ी चोरी हो गई। हाँ नेचुरल एक्टिंग नहीं। तारक एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान पब्लिसिटी के लिए झूठ क्यों बोलेगा। राइट, क्या बताएं, अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोग बोलते हैं अंजलि इससे ज्यादा झूठ बोलते हैं, ये तो क्या चीज है। पब्लिसिटी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते भाई। फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसके पहले हीरो रन के अफेयर की खबर आ जाती है। अब लोगों का इंटरेस्ट जग जाता है, हीरो रन आपस में सचमुच में प्यार करते हैं तो पर्दे पे कैसे करेंगे, जाके देखते हैं। अरे पब्लिसिटी के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए के दान की घोषणा कर देते हैं। एक बार अखबार में खबर आ गई कि दान दे रहे, फिर क्या है, प्रसिद्धि मिल गई, उसके बाद कोई दान वान नहीं देता। सही बात है, ऐसा होता है। प्रसिद्धि के लिए ऐसे गलत रास्ते इस्तेमाल करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती? बराबर बाबूजी, क्या करें, ये हीरालाल की वजह से खामखा जेठिया को डांट खानी पड़ी। तो फोन लगा, हीरालाल को फोन लगा जेठिया। नहीं 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 बाबूजी, रहने दीजिए, क्या कि उन्होंने एक तो हम पे उपकार करके इतनी महंगी साड़ी दी है, अभी फोन करके हम उनको भला बुरा कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल करेक्ट है चाचा। नहीं जीठा जी, वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। एक तो आपकी वजह से हमें ये साड़ी पहनने को मिली, ऊपर से हम सब ने आप पर ही शक किया। हम बहुत शर्मिंदा, वेरी सॉरी अबाउट इट जीठा जी। या सॉरी जीठा भाई। चलिए कोई बात नहीं, अब सब आप लोगों की शंका का समाधान हो गया ना। आप सब लोगों के साड़ी पहनने की इच्छा पूरी हो गई ना। बहुत मजा आया। यस ऑफ कोर्स। आप सब लोगों को आनंद मिला ना। तो बस अब आप लोग घर जाइए और इस साड़ी के बारे में भूल जाइए और इसकी चर्चा किसी से मत कीजिए, और ये न्यूज चैनल वगैरह पे ध्यान मत दीजिए वरना हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। और एक बात, कल परसों 5 साल बाद 10 साल बाद कभी भी ये हीरालाल भाई आपको कहीं भी मिले तो उनसे तो इस साड़ी के बारे में कोई बात करना ही नहीं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही शर्त पे साड़ी दी थी कि तुम इसके बारे में किसी को भी बताना मत। ठीक है, डब्बू के पापा। हाँ कृष्ण सर। तू भाई अभी जल्दी से ये साड़ी लौटा के आ, ये टेंशन का पीटा रहा है। जी जी बापूजी, मैं और मेहता साहब अभी ये साड़ी देकर आते हैं ताकि ये टेंशन खत्म हो। वाह 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 मेहता साहब, क्या बचाया आपने मुझे। बापू जी को देख के मैं तो सच उगल नहीं वाला था, लेकिन क्या आइडिया निकाला आपने। पब्लिक सिटी टन। मुझे तो लगता है आपका जन्म मेरी मदद करने के लिए ही हुआ है। जेठालाल डर तो मैं बहुत गया था, मुझे लगा तुम सच भूली दोगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अंत समय में दिमाग ने कुछ काम किया और कुछ सूझ गया, वरना बहुत बुरे फंसने वाले थे आज जेठालाल। ये 10 करोड़ की साड़ी को भी आज ही चोरी होना था। हाँ बेचारे हीरालाल भाई की तो बहुत बुरी हालत होगी, भगवान करे उनकी वो 10 करोड़ की साड़ी जल्दी मिल जाए। हाँ सो तो है जेठालाल, लेकिन अभी ये सोचो कि इस बला से कैसे पीछा छुड़ाए, क्योंकि ओरिजिनल साड़ी चोरी हो गई है, किसी ने इस साड़ी के साथ हमें देख लिया तो समझेंगे कि हमने ओरिजिनल साड़ी चुराई है। तो क्या करें, इसको कहाँ छुपाएं? जीतू भाई क्या वापस लेके आ जाए? बढ़िया बढ़िया आइडिया में था सब। जीतू भाई को बोलते हैं कि अगर बिके तो बेच दो। हाँ। और ना बिके तो अभी थोड़े दिन आपके पास रखो, फिर देखते हैं क्या करना। चलो चलो जीठिया। हाँ एक मिनट रुको, रुकिए रुकिए। क्या हुआ बाबूजी? हम लोग भी तुम्हारे साथ आ रहे। कहाँ? साड़ी लौटाने। क्यों क्यों क्यों? 10 करोड़ की साड़ी है, 10,000 वोट का झटका, तो ये झटका ही है ना। इस साड़ी ने हमें तमाम झटके दे दिए भाई, हमने डुप्लीकेट साड़ी का इंतजाम कर लिया, लेकिन उधर हीरालाल के वहां से असली साड़ी चोरी हो गई है। अब लोग हमें चोर न समझें, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम इस बला से पीछा छुड़ाएं। लेकिन कैसे छुड़ाएं? चंपक चाचा और दया भाभी साथ जो हो लिए, अगर ये साड़ी लौटाने में साथ हो गए तो इन्हें पता चल जाएगा ये साड़ी नकली है। ये भगवान क्या करें, ये साड़ी है या सर दर्द है,
लेकिन ऐसे वक्त में ईश्वर की याद आती है। आज गणेश चतुर्थी, आप सभी के घरों में भी गणेश जी का आगमन हो गया होगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, आप भी कीजिए, हम भी गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि इस 10 करोड़ की साड़ी के चक्कर से हमें बाहर निकाल दें। लेकिन जो भी हो वो हंसते हंसते आइए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.